ट्रेड यूनियन की हड़ताल। उत्तराखंड ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल होगी देशव्यापी हड़ताल। हड़ताल के दौरान बंद रहेंगे सरकारी बैंक। तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये बैंक बंद रहेंगे और बैंक बंद रखने का ये फैसला बैंकों में इस दौरान लेन देन नहीं होगा, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो बैंक उपभोक्ताओं के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा झुका यहाँ पर देखा जा रहा है। तो 8 जनवरी को ट्रेड यूनियन की हड़ताल जो है वो बुलाई गई है, जिसके चलते सभी जो सरकारी बैंक हैं वो बंद रहेंगे, लेन देन का जो कामकाज है वो ठप रहेगा। तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल देशव्यापी हड़ताल होगी और हड़ताल के दौरान जो सरकारी बैंक है वो बंद रहेंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ये बैंक बंद रखने का फैसला लिया गया है। बैंकों में लेन देन भी नहीं होगा। तो अगर आप बैंक का कोई काम ना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, क्योंकि कल आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। सरकारी बैंक जो हैं वो बंद रहेंगे। तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कल ये देशव्यापी हड़ताल होगी। और देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक कल बंद रहेंगे? बिल्कुल फातिमा, जिस तरह से ट्रेड यूनियंस ने अब लगातार हड़ताल करने का एक ऐलान किया है, बैंकों की अगर बात की जाए तो बैंक कल से हड़ताल पर रहेंगे। कल पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा बैंकों में। इसके अलावा अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेड यूनियनों ने बैठक कर 10 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ये देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसके दौरान सभी आवश्यक सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम जनता पर काफी भारी पड़ने वाला है। ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो ये हड़ताल होगी, इसका नतीजा कैसा होगा, इसको देखना नहीं होगा। और जिस तरह से लगातार जो बातें हो रही है केंद्र सरकार के कई फैसलों के खिलाफ, ट्रेड यूनियन लगातार आंदोलनरत है और अब जब हड़ताल करने का ऐलान उनकी तरफ से किया जा चुका है तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी इससे दो चार होना पड़ेगा। बैंकों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा सकती है आम जनता की। जो लोग सीधे बैंकों पर निर्भर हैं उनको अपने कामकाज आगे निपटाने होंगे, क्योंकि कल जो एक बात सामने आ रही है कि कल हड़ताल रहेगी। इसके बाद 10 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक ऐलान किया जा रहा है, जिसमें सभी आवश्यक सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गंभीर फैसला हो सकता है हड़ताल को लेकर, जिसको लेकर सरकार को भी सजग होना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जुड़ने के लिए।